હમણાં થોડા દિવસ પહેલા અમદાવાદના ઇસ્કોન બ્રિજ પર એક કાર જો કંપાઈ જાય ને એવી એક ઘટના બની હતી. એક જુવાન છોકરો, મૂંઘીદાટ ગાડી હતી એની પાસે, 100થી પણ વધુ ઝડપથી ચલાવતો હતો અને રસ્તા પર ઉભેલા જેટલા પણ લોકો હતા ને એ બધાને ઉડાવી દીધા એમણે. લગભગ 16-17 લોકો હતા અને એમાંથી 10 લોકોના જીવ ગયા. 10 લોકોએ પોતાના સ્વજનો ગુમાવ્યા, પોતાના પરિવાર ગુમાવ્યો. કોઈ જવાન હતો તો કોઈ હજુ સપના જોઈ રહ્યા હતા, તો કોઈના સપના હજુ શરૂ પણ નહોતા થયા, તો કોઈને ઉપર આખી પરિવારની જવાબદારી હતી. પણ આવા અકસ્માતો થતા જ રહે છે, દેશનું એ દુર્ભાગ્ય કહેવાય. આ બધી જ પરિસ્થિતિ વચ્ચે કચ્છમાંથી સમાચાર આવ્યા છે કે કચ્છમાં મહિને 400 જેટલા અકસ્માત થાય છે અને આ અકસ્માતમાં અત્યારે પણ સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. સમાચાર મુજબ 500-700 જેટલા અકસ્માતો છે, એમાં વર્ષે વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. અને આ મામલે 108ના પ્રોગ્રામ મેનેજર સુજીત માલવીયાએ શું કહ્યું હતું સાંભળીએ. દેખીએ, અભી પિછલે અગર 4 સાલથી વાત કરે, 2020 સે અગર હમ લોગ ચેક કરતે હૈ તો હર સાલ એક્સિડેન્ટ, રોડ એક્સિડેન્ટ કેસીસ મેં ધીરે ધીરે ઇન્ક્રીઝ હો રહા હૈ રોડ એક્સિડેન્ટ કેસીસ. इसमें अगर जस्ट अगर हम एक डेटा से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 3,234 ये 2020 में हुआ, लेकिन 2021 में अगर हम जाते हैं तो अराउंड 3,974 केसेस, मतलब काफ़ी 500 से ऊपर मतलब प्लस हुआ है इसमें. तो ये ईयर बाय ईयर हम लोग इसमें केस में मतलब बढ़ोतरी ही देख रहे हैं, जो कि एक तरीके से मतलब काफ़ी मतलब दयनीय स्थिति है. इतना नहीं होना चाहिए, हमको इसके ऊपर कुछ ना कुछ अंकुश लगाना चाहिए. सर, पिछले महीने में अगर सितंबर की हम बात करें तो अभी तक पिछले सितंबर में से 419 रोड एक्सीडेंट हमारे पास रिकॉर्ड हो चुके हैं और इस महीने का अभी हम लोग देखते हैं कि मतलब क्या मतलब कितना तक आता है रोड एक्सीडेंट केसेस का रिपोर्ट. सर, अभी अगर हम बात करें पिछले 2-3 महीनों का तो 400 से अधिक ही केस हर महीने मतलब रिकॉर्ड हो रहे हैं, और जो कि एक बहुत मतलब गंभीर स्थिति है. हमको इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके से मतलब काम करने पड़ेंगे. सर, हमारी 108 की टीम हमारे पास जो भी कॉल जैसे ही मतलब रजिस्टर्ड होते हैं कोई एक्सीडेंट केस का, तुरंत हमारी टीम विद इन 30 सेकेंड के अंदर अंदर यहाँ से रिलीज हो जाती है और जितना कम से कम समय लगे वहाँ पर पहुँचती है. और वहाँ पर जो भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं जिनको हम EMT बोलते हैं, जो भी बेटर ट्रीटमेंट है उनको वहाँ पर देते हैं, स्ट्रेचर के ऊपर उनको डालते हैं और उसके ऊपर से बहुत ही सेफफुली उनको हम लोग रेस्क्यू करके हॉस्पिटल तक मतलब लाते हैं, ताकि उन्हें जो भी ऑलरेडी इंजरी हो चुकी है उससे ज़्यादा कोई इंजरी ना हो और उनको बेटर मतलब ट्रीटमेंट मिल सके. सर, लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक हेलमेट का यूज़ करें, जो कि हमारे रोड सेफ्टी के भी अंडर में मतलब गवर्नमेंट बोलती है, कलेक्टर साहब का भी ऐसा ऑर्डर है. तो ये सब चीज़ें आप लोग रोड हेलमेट का यूज़ करें, सेफ्टी बेल्ट यूज़ करें अगर आप 4-व्हीलर के अंदर जा रहे हैं तो. खैर, आ तो एक गंभीर विषय छे जे मामले चर्चा करवी ज जोईए अने आपणी जे ट्राफिक सेंस छे ने तो ઝીરો જ છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. પણ તમારું આ મામલે શું માનવું છે અમને કમેન્ટમાં જણાવો. જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો પછી અમારી ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડો. ધન્યવાદ.